ये सब कैलकुलेशन अगर आपको समझ में आए तो ही आप इस मछली को अपने टैंक में रखने का रिस्क लीजिए। अदरवाइज ये मछली बिगिनर्स या ओल्डर्स किसी के लिए भी, हमारे लिए ये मछली बहुत ज्यादा सुटेबल तो मुझे नहीं लगता है। ये दोनों बटरफ्लाई बहुत सिमिलर दिखने में है, यूजली बिगिनर्स इन दोनों बटरफ्लाई को कंफ्यूज कर देते हैं। हाय फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का जो हमारा अगला फिश है, इस एपिसोड का पहला फिश आप कह सकते हैं, वो बटरफ्लाई में बहुत पजलिंग बटरफ्लाई है। पजलिंग टू सी एंड पजलिंग टू कीप। उस बटरफ्लाई का साइंटिफिक नेम है चिटोडन कॉलर, और जो कॉमन नेम, पॉपुलर नेम है, दैट इज ब्राउन बटरफ्लाई, रेड टेल बटरफ्लाई, या पॉपुलर नेम पाकिस्तानी बटरफ्लाई। ये चिटोडन कॉलर है जो रेड टेल बटरफ्लाई है। ये रेड टेल बटरफ्लाई बहुत शैलो वाटर में रहते हैं। ये पाया जाता है तो बहुत वास्ट एरिया में पाया जाता है, इंडो वेस्ट पैसिफिक रीजन, फ्रॉम द पर्शियन गल्फ टू मालदीव्स टू जापान एंड द फिलीपींस एंड इंडोनेशिया। ये हाफ ऑफ द वर्ल्ड, मतलब एशियन इस जो कंट्रीज है, यहाँ पर बहुत वास्ट रेंज में पाया जाता है और भारी तादाद में भी पाया जाता है। देखने में भी बहुत खूबसूरत है रेड टेल बटरफ्लाई, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, इस शॉल में मिलते हैं, बहुत खूबसूरत है। और ये काफी कम डेप्थ में रहते हैं, 3 मीटर से लेकर 15 मीटर के गहराई में ये बटरफ्लाई तैरते रहते हैं। इनका जो बिहेवियर एटीट्यूड है, ये ग्रुप में रहता है, शॉल में रहते हैं, पेयर में तो रहते ही हैं, लेकिन जनरली यूजली शॉल में इधर उधर घूमते रहते हैं। और ये सतह के ऊपर रहने के वजह से इनका लाइट रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, हाई लाइट मीन सनलाइट के बहुत करीब रहते हैं। एक्वेरियम में ये बटरफ्लाई उसी टैंक में सही रह सकता है जहां वाइब्रेंट लाइट हो, बहुत ज्यादा लाइट। अब इस बटरफ्लाई का कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, मैं क्यों बोला ये बहुत कॉम्प्लेक्स बटरफ्लाई है, ये बटरफ्लाई एक बहुत अनप्रिडिक्टेबल बटरफ्लाई है, अनयूजुअल बटरफ्लाई है। अनयूजुअल इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसका जो बेसिक बॉडी फीचर है वो काफी अलग है जेनेटिकली, मीन्स ये बटरफ्लाई वन ऑफ द मोस्ट डिजीज प्रोन बटरफ्लाई है। ये हाई लाइट में रहता है, हाई लाइट में ऐसे ही बिहेवियर में ऐसी जगह पर रहता है जहाँ ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा कैरी करता है, इन्फेक्शन से दूर रहने के लिए हाई लाइट की जरूरत होता है। ये बटरफ्लाई टैंक में आप जैसे ही डालोगे, सबसे पहले ये बहुत ज्यादा इन्फेक्शन कैरी करता है। ये बटरफ्लाई यूजली टैंक में ड्राई फ्रूट खाने में बहुत शेकी है, ड्राई फ्रूट नहीं खाता है, ये भी रीफ ओरिएंटेड है, रीफ का खाना खाता है, रीफ ओरिएंटेड खाना खाता है, कोरल टिप्स को खाता है, पॉलिप्स को खाता है, क्लस्टर को खाता है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट, इसे वास्ट एरिया चाहिए होता है, बहुत बड़े एरिया में ये घूमता रहता है। जैसे ही आप छोटे से टैंक में डालोगे, ये बटरफ्लाई देखना है कॉर्नर में चुपचाप खड़ा हो जाएगा, और जैसे ही कॉर्नर में चुपचाप खड़ा हो जाएगा ये डिस्टर्ब हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, समुद्र के सतह पर रहने की वजह से, ऊपर रहने की वजह से ये हाई करंट में रहता है, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन आता है, बहुत ज्यादा इसका पैरासाइट होता है, पैरासाइट के साथ साथ इसका स्किन इन्फेक्शन भी होता है। इसका जो स्केल है, इसके स्केल में इस तरह के पैरासाइट्स को ये कैरी करता है, ये बहुत सारा पैरासाइट कैरी करता है। मतलब ये अगर आप इस बटरफ्लाई को अगर आप टैंक में लाए, इतना खूबसूरत बटरफ्लाई है, इजीली अवेलेबल है, कम दाम में मिल भी जाता है, अगर ये बटरफ्लाई आप बिना सोचे समझे अपने टैंक में डाल दिए, तो ये बटरफ्लाई तो जाएगा इसके साथ अपने आप को सबको लेके जाएगा। ये बटरफ्लाई, ये रेडटेल बटरफ्लाई हमारे टैंक के लिए बिल्कुल सुइटेबल बटरफ्लाई नहीं है, ये बटरफ्लाई समुंदर के लिए ही सुइटेबल है। सो फ्रेंड्स, हमारा जो अगला बटरफ्लाई है, दैट इज चिटोडन पकुला। इसका कॉमन नेम है डबल सडल बटरफ्लाई, ब्लैक वेज बटरफ्लाई, सडल बटरफ्लाई, या पकुला बटरफ्लाई, मोस्ट कॉमन नेम है पकुला बटरफ्लाई। इसका रेंज भी इंडियन ओशन टू ईस्ट अफ्रीका में पाया जाता है, और ये काफी बड़ा होता है, 11 इंच तक बड़ा हो सकता है। सो ये पकुला बटरफ्लाई काफी बड़ा होता है, बड़ा स्पीसीज है बटरफ्लाई का, वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट स्पीसीज है, बड़े स्पीसीज में से ये एक स्पीसीज है पकुला बटरफ्लाई, काफी बड़ा होता है, 11 इंच तक बड़ा होता है। इसके लिए आपको जो टैंक चाहिए, सबसे पहले मैं बता दूं, सभी बटरफ्लाई के लिए जो कॉमन थिंग है, दैट इज द लार्जर टैंक, द लार्जर टैंक द मोर स्पेस रिक्वायर्ड फॉर एनी बटरफ्लाई, इसके लिए भी वही है। पकुला बटरफ्लाई आप पेयर में रख सकते हो, पेयर में ही जनरली सारे बटरफ्लाई अच्छा रहता है, लेकिन पकुला बटरफ्लाई आप सिंगल भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पीसफुल है, टेम्परमेंट बहुत अच्छा है, पीसफुल नेचर है, इन्फेक्शन से भी इम्यून है, ये ज्यादा इन्फेक्शन कैरी नहीं करता है, इन्फेक्शन को लेकर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो स्केल पैटर्न है, इसका जो स्किन पैटर्न है, इसमें इन्फेक्शन ज्यादा पैरासाइट नहीं आता है, पैरासाइट आने पर भी ये जल्दी रिकवर कर जाता है। फकुला बटरफ्लाई भी रीफ सेफ नहीं है, बिल्कुल ही रीफ सेफ नहीं है, सभी बटरफ्लाई की तरह, ज्यादातर बटरफ्लाई की तरह ये भी रीफ सेफ नहीं है फकुला बटरफ्लाई। इसका फीडिंग भी कोरल पॉलिप्स के ऊपर रहता है, लेकिन एक्वेरियम में ये वर्सेटाइल फूड एक्सेप्ट कर लेता है और लॉन्ग टर्म के लिए रहता भी है। वर्सेटाइल फूड इन द सेंस, कोई भी फ्लेक हो, कोई भी ड्राई फ्रूट हो, ये ले लेता है, खुशी खुशी ले लेता है, हेल्दी वे में ले लेता है।
वाटर पैरामीटर का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा भी पैरामीटर सही रहे तो ठीक रहेगा, लेकिन बिगिनर फिश नहीं है बिल्कुल ही, आपको दो तीन महीना बाद भी टैंक में आप पॉपुलर बटरफ्लाई ऐड कर सकते हो। फिश ओनली टैंक के लिए बहुत अच्छा है ये पॉपुलर बटरफ्लाई, फिश ओनली टैंक में आप किसी भी टैंक ग्रुप के फिश, डैमसेल, क्लाउन, एंजल, किसी भी कम्युनिटी टैंक में आप डाल सकते हो, इट्स अ वेरी गुड सिलेक्शन। फीडिंग नो प्रॉब्लम, वाटर टेम्परेचर नो प्रॉब्लम, थोड़ा हाई टेम्परेचर में अच्छा रहता है, डिजीज नहीं होता है। मीडियम वाटर डेंसिटी चाहिए, मतलब 18-20 के आसपास डेंसिटी हो तो बहुत अच्छा रहता है, थोड़ा डेंसिटी अपसाइड रहता है तो कलर वाइब्रेंट होता है इसका, अच्छा रहता है, थोड़ा 20-22 के आसपास डेंसिटी रहे। टेम्परमेंट बहुत कूल है, एग्रेसिव नहीं है, बिल्कुल ही एग्रेसिव नहीं है, बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म टैंक में रहता है और सभी फूड में अडेप्टेड होता है। सो मोर ऑर लेस रेडटेल बटरफ्लाई के कंप्लीट कॉन्ट्रास्टिंग है पॉपुलर बटरफ्लाई। रेडटेल बटरफ्लाई बहुत इजीली अवेलेबल है, पॉपुलर बटरफ्लाई इजीली अवेलेबल नहीं है। रेडटेल बटरफ्लाई चीप है, पॉपुलर बटरफ्लाई थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन रेडटेल बटरफ्लाई टैंक के रखने लायक बिल्कुल नहीं है और पॉपुलर बटरफ्लाई टैंक में रखने के लिए बहुत ही सुटेबल फिश है। सो यही सब चीज मैं आपको क्लियर करने के लिए ही ये सब वीडियो बना रहा हूँ, और आपको कितना फायदा हो रहा है, मदद मिल रहा है ये सब नॉलेज में मिल के, ये सब नॉलेज पाके, प्लीज 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 हमें कॉमेंट में बताइए, और अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, इतना टाइम वेस्ट मत कीजिए, अभी लाइक कीजिए, और हमारे इसी तरह का और नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। What you're waiting for? Subscribe right now.